दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यादव प्रधान। दोस्तों हम मोबाइल में माउस कैसे चलाएं, इसलिए क्या क्या ज़रूरत है माउस चलाने के लिए, इसीलिए एक उसी के लिए एक OTG ज़रूरी है। ये देखिए कैसे चला है, इसीलिए उसी के लिए माउस चलाने के OTG ज़रूरी है। और मोबाइल में OTG का ऑप्शन होना चाहिए सेटिंग में। दोस्तों चलिए दोस्तों माउस कैसे चलाते हैं मोबाइल में सीखेंगे। इसीलिए ये कनेक्शन को, ये मोबाइल का कनेक्शन को यहाँ लगाएंगे जहाँ हम चार्ज करते हैं वहाँ। और ये है ये कनेक्शन को हम ये मेरा माउस है, ठीक है। तो माउस का कनेक्शन है, एक कोड है और ये मेरा माउस है, ठीक है दोस्त। इसी माउस को कैसे चलाएंगे, इसीलिए ये कनेक्शन को यहाँ लगाएंगे कहाँ, ये जो चार्ज करते हैं ना वहाँ। तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है दोस्त। और वहाँ इसी को एक कनेक्शन में लगाएंगे, मैं दिखाया था उसी कनेक्शन ये माउस को लगाएंगे। ठीक है दोस्त, और इसी को जाके हम सेटिंग में जाएंगे, ठीक है सेटिंग में। और इसी को मैं सेटिंग को क्लिक करके यहाँ OTG लिखूँगा, मैं OTG क्लिक करूँगा। और देखिए मेरा ये OTG का ऑप्शन आ गया, इसी को ऑप्शन को ओके करूँगा, ठीक है दोस्त। अभी तो बैक कर देता हूँ, देखिए OTG सर क्या बोलते हैं उसको, माउस चालू हो गया, देख रहे हैं ना दोस्त। इसको मैं पकड़ के इधर उधर भी घुमा सकता हूँ, और मैं इसको देखिए ये फोटो को मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए चालू हो गया, देखा दोस्त। मैं बैक करता हूँ, ठीक है एक मिनट, अरे बैक करता हूँ, देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये मेरा फोटो मोबाइल, सॉरी ये फोटो रखा है ना, ये मेरा फोटो है। दोस्तों आप OTG कैसे कनेक्शन होता है जाना और सीखा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, और आपका दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए लाइक बटन दबा देंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों रखता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।